आग क्या है और लपटे क्यों दिखाई देती है? व्हाट इज द फायर, व्हाई डू द फ्लेम्स अपीयर? तो दोस्तों, पाषाणकालीन युग से जब से हमारे पूर्वजों ने जंगल में आग लगने की बड़ी बड़ी घटना को देखते आए हैं, तब से मानव के मन में आखिर आग क्या है ये प्रश्न हमेशा विचलित करता रहा है। हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम शेख। आज मैं आग और उनके लपटों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सरल भाषा में बताना चाहूँगा, जो आप सरलता से समझ भी जाएंगे। एक मामूली चिंगारी से भी आँख देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लेती है और कई चीज़ों को अपने लपेट में लेकर जलाकर मिनटों में खाक कर देती है। हमारी धरती पर जंगल में और मानव बस्तियों में होने वाली ये भयानक घटना कहलाती है। तो आइए दोस्तों, ये आग क्या है और आग की लपटें कैसे बनती है, इसमें कलर क्यों दिखाई देते हैं और इनसे प्रकाश किरणें कैसे निकलती है, आज इसके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे, ताकि आने वाले समय में हम इसका ज़्यादा अध्ययन कर इसके नुकसान से बचने की कोशिश कर सकेंगे। ज़्यादातर आग ड्राई सीजन में गर्मियों में किसी दो वस्तुओं के जबरदस्त टकराने के घर्षण से आग पकड़ लेती है और बेकाबू हो जाती है। लकड़ियाँ जलाते समय हम माचिस की तिली या गैस लाइटर का प्रयोग करते हैं। माचिस की तिली में पैराफिन, मोम और केमिकल्स होते हैं और जहाँ घर्षण किया जाता है वहाँ कांच का पाउडर, लाल फास्फोरस और गम का कंपाउंड लगा होता है। जैसे ही हम माचिस की तिली से मैच बॉक्स में हल्का घर्षण करते हैं तो घर्षण से कम तापमान पर फास्फोरस की वजह से, जो कि ज्वलनशील होता है, माचिस की तिली में आग पकड़ लेती है। ये भी केमिकल रिएक्शन है। लकड़ियों में राल होती है जिसमें फाइबर और साधारण शर्करा स्टार्च C6+H12+O6 ग्लूकोज के अलावा सेलुलोज, हेमिस सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह, वैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्वों से बना होता है। लकड़ियाँ तभी जलती है जब तापमान 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके लिए हमें लकड़ियों में सूखा हुआ घास या केरोसिन की जरूरत पड़ती है। सूखा घास, केरोसिन, ये ज्वलनशील पदार्थ है। तब जाकर उसमें केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए काफ़ी ऊर्जा, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज के कार्बन हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो हमें धुएं के रूप में दिखाई देती है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H2O बन जाता है। ग्लूकोज की संरचना मॉलिक्यूल टूटने से मॉलिक्यूल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एटमों को बांध कर रखता है, वह एनर्जी के रूप में बाहर आ जाता है, जिससे उस भाग की हवा अत्यधिक गर्म हो जाती है और तापमान 100 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें हमें अत्यधिक गर्म हवा की लपटें दिखाई देती है। जिस लपटों से होकर हम आगे का देख पाएंगे उसमें आगे की आकृति लहराती हुई दिखाई देगी। इसमें से CO2 ही नहीं बल्कि और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है उसमें और भी कई तरह की प्रक्रिया होती रहती है, क्योंकि हवा में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हेलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन और भी कई तरह के वायु गैस होते हैं, जिसके कारण रिएक्शन से कई पदार्थ रिलीज होते रहते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्वलन की अधूरी प्रक्रिया, अपूर्ण ज्वलन जो जहरीली गैस भी है, कहीं कोई पदार्थ एनर्जी लेता है तो कोई पदार्थ एनर्जी छोड़ता है, जिसके वजह से हमें गर्म हवा की लपटों में कई केमिकल रिएक्शन के जरिए नए पदार्थों, नए गैसों का जन्म होता है और वह ऑरेंज, पीला या नीला ऐसे कलर के रूप में दिखाई देते हैं। मॉलिक्यूल से फोटॉन अलग होने पर होता है और वह लाइट प्रदर्शित करते हैं। कौन सा कलर कौन से पदार्थ की रिएक्शन है और वह कौन सा पदार्थ रिलीज करता है, वह उस कलर पर निर्भर होता है। और इसी तरह से अत्यधिक गर्म हवा लपटे प्रदान करती है, कई रिएक्शन कलर प्रदर्शित करते हैं और फोटॉन लाइट उत्सर्जित करते हैं, और इन सबको मिलाकर
जो हमें भयानक आग की लपटें दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल आ रहे होंगे कि सूर्य पर जो आग अरबों सालों से जल रही है वह अभी तक बुझी क्यों नहीं। तो चलो जानते हैं, हमारे सूर्य पर या तारों पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वह न्यूक्लियर नाभिकीय प्रक्रिया होती है। सूर्य के पहली परत में जहाँ हाइड्रोजन का अपार भंडार है, जिसमें जिसे ईंधन बॉक्स भी कहा जा सकता है, जो सूर्य को किसी नेबुला से प्रदान हुआ था, जो सूर्य की कोर की तरफ करोड़ों मिलियन, कई करोड़ों अरबों खरबों मिलियन टन के गुरुत्वीय बल से उनके दबाव से खींचता रहता है, क्योंकि सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से 10,00,000 गुना बड़ा है। दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के केंद्र में प्रोटॉन अलग होने को मजबूर हो जाते हैं, जिसे फ्यूजन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या के अनुसार जुड़ते चले जाते हैं, यानी सरल भाषा में हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन का जो मजबूत बंधन बर्बाद होकर किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियर से जुड़ जाना, जैसे कि एक मजबूत कंक्रीट को 50 टन के हथौड़े से वार करना। हाइड्रोजन फ्यूज होकर हेलियम बन जाता है, और जिसका ऑर्बिट टूटने से वहां के मैग्नेटिक फील्ड ऊर्जा बाहर आ जाती है। फोटॉन बाहर आने से प्रकाश अल्फा बीटा गामा एक्सरे हाई रेडिएशन एनर्जी अदृश्य किरणें और इलेक्ट्रॉन बिखरने से विद्युत तरंगे बाहर की ओर आ जाती है। ऐसे सभी चीज़ों का उत्सर्जन होता रहता है। बाद में हेलियन के भी वही किस्सा होती है, हेलियन भी फ्यूज होने लगता है जिससे कार्बन बन जाता है। इतने भारी भरकम दबाव में फ्यूजन की प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है, और हर गैस की भी परतें होती है। कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्यूज होकर आखिर में आयरन बनकर कोर में ढकल दिया जाता है। तब कोर का तापमान 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरती पर यह प्रक्रिया शक्य नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर प्रक्रिया करवाने के लिए एक खास विशेष तकनीक की जरूरत होती है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। मगर ये बहुत ही घातक प्रक्रिया है। ऊर्जा तो भरमार प्राप्त होती है, लेकिन इसके रेडिएशन की मात्रा से पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से भी कई गुना अधिक होती है, जो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। इसीलिए इसे ज़्यादातर अंतरिक्ष यानों के लिए ही काम में लाया जाता है। ये प्रक्रिया सिर्फ अंतरिक्ष में कारगर है, धरती पर बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आपने जाना कि आग क्या है, आग की लपटें क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। हम आग का उपयोग खाना बनाने के लिए, ठंड में सेकने के लिए, कारखानों विशाल भट्टियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो फ्यूल लकड़ी कोयला मीथेन गैस केरोसिन पेट्रोल डीजल व अन्य जो भी ईंधन जिसे हम पूरी तरह से 100% जला नहीं पाते, यह हमारे तकनीक का गलत इस्तेमाल इसके लिए कारणीभूत होता है। और हम हमारे एटमॉस्फेयर में जहरीली गैस छोड़ते रहते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, जो आज मानव सभ्यता के लिए खतरा बनती जा रही है। इसीलिए लकड़ी जलाते समय अच्छी तकनीक के चूल्हे, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा धुआं ना हो, गाड़ियों के इंजन की समय समय पर जांच करते रहे, गाड़ियों में अच्छा प्योर ईंधन ही डालें, और ज़्यादातर सौर ऊर्जा पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें और सेगड़ी का ही इस्तेमाल करें। वैसे आज हमारी धरती पर प्लास्टिक पीवीसी हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये सभी हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। और प्लास्टिक पॉलीथीन का कबाड़ गार्बेज हम जलाते रहते हैं, जिससे जहरीली गैस हवा में मिलती है। हमारी धरती ये पूरी यूनिवर्स में अनमोल है, जो आज हमारी विरासत है। तो आइए उसकी हिफाजत करने में हम कोई कसर न छोड़े, वरना ये हमारी मानव सभ्यता एक दिन हम खो देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा हमारा एपिसोड? अगर आप नए हैं तो इस एपिसोड को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, ताकि हम आगे की एपिसोड में हम और भी अच्छे साइंस और यूनिवर्स के कई रहस्यों को सरल भाषा में प्रदर्शित करेंगे।